वहीं यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही पलवल की महिमा चावला आखिरकार अपने घर लौट आई हैं। महिमा रोमानिया से भारत पहुंची और घर पहुंचने के बाद यूक्रेन के हालातों को बयां किया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है, हालात चिंताजनक बने हुए हैं। ऐसे में भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत सरकार की कोशिशें भी लगातार जारी है। भारतीयों को लाने वाली पहली उड़ान में करीब 250 छात्रों को घर वापस लाया गया। बेटी घर आ गई है, काफी अच्छा लग रहा है। जिस दिन से रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, उस दिन से घर में तो मतलब ये लगा लीजिए कि एक डर का माहौल सा बन गया था। मतलब पूरा पूरा दिन टीवी के आगे बैठे रहना, न्यूज़ देखते रहना, ना खाने का टाइम देखना, ना कुछ सोने का देखना, बस 24 घंटे न्यूज़ पे ही नज़र रहती थी कि क्या हो रहा है। पर थोड़ी सी हमें तसल्ली इस चीज़ की थी कि जो इनकी यूनिवर्सिटी थी है, इनकी यूनिवर्सिटी चर्निहिव्सी शहर में है जो कीव एरिया से काफ़ी डिस्टेंस पर है, तो वहाँ पर अभी ऐसा कुछ माहौल नहीं था, वहाँ पर शांति प्रिय माहौल था। पलवल की न्यू कॉलोनी के रहने वाली महिमा चावला भी अपने घर लौट गई हैं। महिमा चावला यूक्रेन के चर्निहिव्सी शहर की बुकोविनियन यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। महिमा ने बताया कि जब रूस ने यूक्रेन पर पहला हमला किया, उसके बाद से ही कीव में हालात चिंताजनक हो गए थे। भारतीय दूतावास की तरफ से उनको अपने जरूरी कागजात और पैसे रखने की जानकारी दी गई, जिसके बाद से एटीएम मशीनों के सामने लंबी लाइनें लग गई। लोगों ने राशन स्टोर करना शुरू कर दिया। कीव में लगातार हुए बम धमाकों से लोग डर गए। महिमा ने आगे बताया कि जब वो अपनी यूनिवर्सिटी की बस से रोमानिया बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे, तो कीव में लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। लोग अपनी गाड़ियों से बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे, चारों तरफ जाम लगा हुआ था। यूक्रेन पुलिस की मदद से वो लोग कीव से निकलकर रोमानिया बॉर्डर पहुंचे और वहां इंडियन एम्बेसी के लोगों ने उन्हें रिसीव किया, जिसके बाद वो रोमानिया से फ्लाइट में भारत पहुंची। हमारी दो फ्लाइट्स थी, एक थोड़ी पहले थी, हमारी दिन में बाद में थी। तो अराउंड 250 स्टूडेंट्स थे इन ईच फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट मुंबई लैंड हुई थी, सेकंड मेरी फ्लाइट दिल्ली लैंड हुई थी, उसमें भी अराउंड 240-250 स्टूडेंट्स थे। तो बहुत अच्छे से हमें वेलकम किया गया था वहाँ पे। बॉर्डर अभी इसलिए क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ हो गई है, बट वो क्रॉस करवा देंगे। एम्बेसी दूसरी साइड ही है एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प अस, तो वो क्रॉस करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लाइक गवर्नमेंट ने अभी लिस्ट नहीं निकाली, खुद ही चले गए डर के, उनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आगे तक गवर्नमेंट ने कनेक्शन कर रखा है हमारे लिए, और जब वो खुद चले जाएंगे तो कनेक्शन तो होगा नहीं फिर, इसीलिए उनको रोका जा रहा है। इसके साथ ही महिमा ने बताया कि अभी भी हजारों की संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन से लगते दूसरे देशों के बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। ऐसे में सरकार को उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकालना होगा। दिनेश कुमार, पलवल, खबरें।